सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट पाने के लिए इंडिया पिछले काफी लंबे समय से प्रयास कर रहा है और सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट सीट होनी भी चाहिए क्योंकि दुनिया की सबसे आबादी वाला देश भारत है। अब भारत में G20 समिट के चलते यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की परमानेंट सीट को लेकर यूनाइटेड नेशन चीफ एंटोनियो गुटर्स का बयान आया जिसमें उन्होंने इंडिया को कंट्री ऑफ द वर्ल्ड के नाम से संबोधित किया और कहा कि भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए एक बहुत जरूरी देश है, लेकिन इंडिया यूनाइटेड नेशंस का पार्ट बन सकता है या नहीं ये उनके हाथ में नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स के हाथ में है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ ने कहा कि दुनिया अब तेजी से बदल रही है और अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को भी खुद में बदलाव लाने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि आज रशिया यूक्रेन जंग का कोई भी शांत नतीजा निकलता नहीं दिख रहा, ऐसे में क्या भारत इन दोनों देशों के बीच समझौता करवा सकता है।